नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के बाद हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी श्रृंखला में अब वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला उजागर हुआ है, जहां प्रेम प्रकरण के चलते एक युवक को जान गंवानी पड़ी। दरअसल कल रात लगभग 9:30 बजे वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली पांडुनाथ संभाग से एक हत्या का मामला आया है, जहां प्रेम प्रकरण के चलते युवती के प्रेमी की आरोपी युवक ने जान दे ली। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से युवती और मृतक 23 वर्षीय रवि साव का युवती के साथ प्रेम संबंध था, किंतु लगभग 2 महीने पहले आरोपी 23 वर्षीय नंदन वन निवासी आवेश मिर्जा बेग रहमत बेग के साथ युवती का संपर्क पड़ा, जहां आवेश के साथ युवती के बढ़ते झुकाव के चलते मृतक को चिंता सताने लगी। उसने कई बार आरोपी से चर्चा की, उसे समझाया भी कि वह उसकी प्रेमिका का पीछा छोड़ती, लेकिन वह मानने को तैयार न था। आखिरकार कल रात 9:30 बजे मृतक ने आवेश को चर्चा के लिए पांडुना बुलाया, जहां आरोपी युवक अपने साथी 20 वर्षीय कुणाल खलतकर और नंदन वन निवासी 20 वर्षीय आयुष बेटे के साथ धारदार शस्त्र के साथ मौजूद था, जहां मौका पाते ही तीनों ने रवि को मौत की घाट उतारा। जहां सुबह जब गांव की पुलिस पटेल घूम रहे थे, तब रवि की लाश बड़ी ही निर्गुण अवस्था में दिखाई पड़ी, जिसके चलते उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन वाठोड़ा में घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आज सकाळी साधारण 9:30 दरम्यान आपल्याला पांडुर्ण गावचे पोलीस पाटील यांच्याकडनं फोनद्वारे अशी माहिती मिळाली की जिओ पेट्रोल पंप पांडुर्ण गाव या पेट्रोल पंपच्या मागे या ठिकाणी एक मृतक पडलेला आहे। तशी माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही सर्व पोलीस स्टाफ घटनास्थळी जाऊन पाहिलं असता एक मृतक पडलेला होता, त्याच्या मोबाईलवर कॉल आला, त्याच्यानंतर आपल्याला त्याचं माहिती कळाली की त्याचं नाव रवी गरीब राव असं आहे, वय 26 वर्ष आणि त्याच्यानंतर आपण पंचनामा वगैरे केला आणि बॉडी पुढील कारवाईसाठी हॉस्पिटलला पाठवलेली आहे। पोलीस तपास सुरू आहे, हत्यामागचं अजून कारण समजलेलं नाही आहे, तर आपल्याला इन्व्हेस्टिगेशन नंतर सर्व गोष्टी क्लिअर होतील। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।